हदीस नंबर 6298। हजरत अबू असद ने हदीस नंबर 6299। अबू सलमा ने इस बात की गवाही दी कि हजरत अबू उसैद अंसारी रदी अल्लाह अन्हो गवाही देते थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार का सबसे बेहतर घराना बनु नज्जार है, फिर बनु अब्दुल अशहल, फिर बनु हारिस बिन खजरज, फिर बनु सादा हैं, और अंसार के तमाम घरानों में भलाई है। हजरत अबू सलमा फरमाते हैं, अबू उसैद ने कहा, क्या मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ गलत बात मंसूब कर रहा हूँ? अगर मैं झूठ बोलता तो अपनी कौम बनु सादा से शुरू करता। ये बात हजरत सादा बिन इबादा रदी अल्लाह अन्हो तक पहुँची तो उनको रंज हुआ। उन्होंने कहा, हमको हमारे घराने को पीछे कर दिया गया, हमें चारों के आखिर में रखा गया। मेरे दराज गोश पर जैन कसू में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाना चाहता हूँ। उनके भतीजे सहल ने कहा कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मुस्तरद करने जा रहे हैं, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जानने वाले हैं। क्या आपके लिए ये बात काफ़ी नहीं कि आप चार में से चौथे हों? फिर वो लौट गए और कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानने वाले हैं। ये कहकर अपने दराज गोश से जीन उतारने का हुक्म दिया।